वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आपका बाजार. दोनों ही जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार आपकी क्वेरीज को एड्रेस कर रहे हैं और अपनी अगली क्वेरी को भी शो में शामिल कर लेते हैं. हमारे साथ अब प्रवीण जुड़े हैं दिल्ली से. नमस्कार प्रवीण जी, पूछिए. मेरे पास 500 शेयर हैं तलवलकर बेटर वैल्यूज के 270 के रेट पे, तो मेरे को इसमें क्या करना चाहिए? अभी लॉन्ग टर्म व्यू है आपका? नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म व्यू है मेरा, 2-4 मंथ का. ऑलराइट, ठीक है. 274 पर सुमित इन्होंने खरीदारी की है. 500 शेयर्स हैं इनके पास तलवलकर्स के. अभी 2-4 मंथ्स का टाइम ही यहाँ पर दे सकते हैं. क्या नजरिया आप रखते हैं इस शेयर को लेकर और इनके लिए क्या स्ट्रेटजी रेकमेंड करेंगे? देखिए साक्षी, तलवलकर के अंदर पिछले 4 दिनों में हमें लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी देखने को मिली है. स्टॉक पिछले 1.5-2 महीने का ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो वो भी तेजी का ही रहा है. आई थिंक तलवलकर के अंदर इमीडिएटली 282-284 के आसपास का रेजिस्टेंस है. टू बी वेरी प्रिसाइज 284. अगर ये लेवल्स जैसे कन्विंसिंगली ब्रेकआउट देता है स्टॉक इन लेवल्स के ऊपर, तो हमें स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ महीनों के अंदर, जिसके अंदर 350 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं. इनको 284 का लेवल ऊपर में ध्यान रखना है. उसके ऊपर अगर विद वॉल्यूम ब्रेकआउट आता है और क्लोजिंग बेसिस पे ये क्लोज हो जाता है, तो हमें यहाँ से बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 350-350 के आने वाले कुछ महीनों के टारगेट होंगे. इनको पोजिशंस होल्ड रखने की सलाह रहेगी. एट द सेम टाइम स्टॉक नीचे में अगर 250-255 का लेवल ब्रेक करता है तो वीक हो जाएगा, तो ये इनके लिए स्टॉप लॉस के तौर पे लेवल रहेगा और ब्रेकआउट आने के बाद 50-60 रुपए की तेजी मान के चले. जी, तो आपको राय दी गई है, आप बने रहें और अगर ब्रेकआउट होता है 50-60 रुपए तक की तेजी इस शेयर में जरूर देखने को मिल सकती है. आगे बढ़ते कुछ और दर्शकों से बात करते हैं. हमारे साथ बलदेव हैं जो कि चंडीगढ़ से मौजूद हैं. बलदेव जी नमस्कार. सर नमस्कार. बलदेव जी क्या सवाल आपका, पूछिए. सर मेरे पास एप्टेक के 25 शेयर्स हैं. ओके, 171 के हिसाब से. 171 पे खरीदारी आपकी? लॉन्ग टर्म है जी. और एक टाटा मेटालिक 20 शेयर. ओके ओके, 395 के हिसाब से. इसमें भी आपका लंबी अवधि का नजरिया है? हाँ जी, हाँ जी, लॉन्ग टर्म. ओके विवेक, एक सवाल तो इनका एप्टेक पे 171 पे खरीदारी है. यहाँ पर 222 का मौजूदा स्तर है और मुनाफा अच्छा खासा हो रहा है. और इसके अलावा टाटा मेटालिक दूसरा नाम इन्होंने लिया जहाँ पर इनकी खरीदारी है, और करीब करीब यहाँ पर भी 300 रुपये की रेंज में खरीदारी है और नज़रिया यहाँ भी लंबी अवधि का रखते हैं. 700 रुपये करीब ये शेयर पहुँच चुका है. आपकी राय इन दोनों शेयरों पर? सुमित, पहले एप्टेक, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में देखो तो बहुत कम कंपनीज है, लिमिटेड कंपनीज है जो अच्छा खासा बिजनेस करती है और मैनेजमेंट भी अच्छा है. और आप और बाकी कंपनीज है हमने बहुत देखी है एजुकॉम की जैसी, जो इन्वेस्टर्स को जनरली लॉस दिया है. तो ये एक शानदार कंपनी है इस स्पेस में और मेरे हिसाब से कई दिग्गज प्लेयर्स, इनफैक्ट बिग बुल भी इस कंपनी में निवेशक है. तो मेरे हिसाब से आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए. अगर आपका शॉर्ट टर्म ओपिनियन है तो ये ऑफकोर्स थोड़ा बहुत मेरे को यहाँ पे कॉस्टली लग रहा है, लेकिन आप अगर इसको होल्ड करना चाहो तो भी ये कोई आपको नुकसान नहीं देने वाला, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत कम कंपनीज है जो अच्छा बिजनेस कर रही है इस स्पेस में और लिमिटेड चॉइस है. तो अगर एजुकेशन सेक्टर में आपको प्ले आउट करना है तो ये एक रहेगा. दूसरा टाटा मेटालिक्स, इनफैक्ट करीबन 1.5 साल पहले हमने इसको 80 रुपए में लिया था और थोड़ा जल्दी बेच गए, लेकिन इन स्तरों पे टाटा मेटालिक्स मेरे को काफी फेयरली वैल्यूड दिखता है. पहले सिंगल डिजिट पी हुआ करता था, आजकल 18-19 पी है. तो अगर अब मेटल सेक्टर पे प्ले आउट हो रहा है तो जब तक मेटल सेक्टर में स्ट्रेंथ रहती है मेरे हिसाब से ये स्टॉक भी ठीक ठाक करेगा, तो इसको भी आप होल्ड कीजिए. और जिस दिन मेटल प्राइसेस में अगर ग्लोबली थोड़ा बहुत भी करेक्शन आता है तो उस दिन आप इससे निकल जाइएगा. और बाकी टाटा समूह की कंपनी है तो इसके लिए फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है. एब्सोल्युटली. सो एप्टेक और टाटा मेटालिक्स दोनों को ही आप होल्ड करके चल सकते हैं, यही एक्सपर्ट के लिए की राय है आपके लिए. अंजय से बात करते हैं, बोकारो से हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर. अंजय नमस्कार, पूछिए अपना सवाल. मैडम, ये मेरे पास सुप्रीम इंडस्ट्री के शेयर हैं 21922 पे वहाँ पर. ओके, चलिए प्रॉफिट्स हैं यहाँ पर. और है आईसीआईसी प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के हैं 61, वो आईपीओ के वहाँ पर है 334 पे. चलिए ठीक है, यहाँ पर भी अच्छा मुनाफा हो रहा है आपको. दोनों पर ही क्या नजरिया रखते हैं आप? हम तो लॉन्ग टर्म के लिए हैं. ठीक है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो विवेक मैं आपसे जानना चाहूंगी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज में निवेश किया है 922 के लेवल्स पर, यहाँ मुनाफे पर है, 21 शेयर्स हैं, क्वांटिटी बहुत बड़ी नहीं है. आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में भी आईपीओ के समय से इन्होंने निवेश किया हुआ है, तब से अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, नतीजे भी आने हैं आज कंपनी के. लॉन्ग टर्म के लिहाज से दोनों पर ही क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे?
इनफैक्ट साक्षी सुप्रीम इंडस्ट्रीज हमारे थोड़े विवेक आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, तब तक वो सॉर्ट आउट करते हैं। सुमित आपको ये टॉस करती हूँ, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ दोनों पर ही आपका क्या राय है? देखिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज एक वन वे तेजी का काउंटर है, इसने लोअर लेवल से एक वन वे तेजी दिखाई है, हमने स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम देख लिया है। 1060 का आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लई है जो कि अभी 1080 से 20 रुपये नीचे है और ऊपर में इमीडिएटली 1120 तक का टारगेट मांग के चले। अगर 1120 के लेवल्स टूटते हैं तो और भी तेजी देखने को मिल सकती है जिसमें 1160-1180 के लेवल्स होंगे। तो 1060 सुप्रीम इंडस्ट्री के लिए ट्रेलिंग ऐसे होगा इनकी पोजीशंस के लिए। और दूसरी तरफ आईसीसीआई प्रूव के अंदर हमें वन वे तेजी देखने को मिल रही है, स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है, यहां से और भी तेजी देखने को मिल सकती है जिसके अंदर 425-450 इमीडिएट टारगेट होंगे आईसीसीआई प्रूव के लिए। जी दोनों पे आपको रणनीति बताई जा चुकी है, आप उसके अकॉर्डिंग ही प्ले कर सकते हैं। एक बार ही कुछ बयान फार्म सेक्रेटरी की तरफ से आ रहे हैं, वो आपको बताते हैं कि जो मानसून के नंबर्स हैं वो काफी तक सामान्य हैं और ये सामान्य मानसून जो है ये बहुत हद तक सहारा देंगे इस पूरे स्पेस को लेकर, पूरे एग्रीकल्चर स्पेस को लेकर भी। उनका यह भी कहना है कि FY18 में 4% की एक फार्म ग्रोथ रहेगी अगर नॉर्मल मानसून जैसे कि प्रेडिक्शन भी है वो कंटिन्यू करता है, तो 4% की एक फार्म ग्रोथ की यहाँ पे उम्मीद लगाई जा सकती है FY18 के लिए। इसी पूरे स्पेस पे नजर डाला तो जैन इरीगेशन न्यूज फ्लो में भी है, 4% ऊपर भी है, कावेरी सीड 2.5% ऊपर है, UPL 1% ऊपर है, धानु का एग्रीटेक हालांकि फ्लैट टू नेगेटिव 22 से कामकाज कर रहा है, लेकिन पूरे एग्रीकल्चर स्पेस में मोल से यहाँ पे बस देखने को मिल रही है। विवेक अगर आप सुन पा रहे हैं तो एग्रीकल्चर स्पेस को लेकर क्या राय रखते हैं और कोई प्रिफर्ड पिक आपकी स्पेस में? इनफैक्ट सुमित मैंने मतलब पहले भी कई बार यहाँ पे केमिकल और एग्रोकेमिकल्स पे बुलिश ओपिनियन दिया हुआ है और वो मेरा ओपिनियन अभी भी जारी रहेगा और मेरे हिसाब से काफी स्ट्रेंथ अभी इस सेक्टर में पर्टिकुलरली देखने को मिलेगी और अगर मॉनसून अच्छा होता तो ये सारी कंपनीज इनफैक्ट बेनिफिट करेगी। और एक स्टॉक है वो मैंने पहले भी यहाँ पे बताया हुआ है 480 करीबन लेवल पे, आज ये 521 पे चल रहा है, शारदा क्रॉप कैम्प। तो शारदा क्रॉप के में आप बने रहिए और मेरे हिसाब से ये काफी मतलब मीडियम साइज कंपनी है जो यहाँ से अच्छा कर सकती है, प्रदर्शन दे सकती है, तो आप 521 पे है शारदा, इनफैक्ट बाई भी कर सकते हो और अबिट लॉन्ग टर्म के लिए इसको भी मतलब अगले मानसून तक इसको आप होल्ड कर सकते हो। और अगर आप कोई छोटी कंपनी अगर देखना चाहो तो एक और कंपनी है एरीज अग्रो, ARIES अग्रो, काफी माइक्रो कैप रहेगी वो, तो हेवी बाइंग तो मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा लेकिन छोटा मोटा अगर किसी को बाइंग करना 400-500 शेयर करना तो डेफिनेटली उसमें भी कर सकते हो सकता है ये मल्टीबैगर यहाँ से बन सकता है। कोलकाता से गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, नमस्कार गौरव पूछिए। एक्चुअली मेरा बस टाइम टेक्नो है 300 शेयर और मैं खरीदा हूँ एट द रेट ऑफ 121। ओके ठीक है, और आप कितना समय देंगे? अराउंड 1 मंथ। ठीक है, शॉर्ट टर्म का ही नजरिया है। सुमित क्या सलाह होगी आपकी, 121 के लेवल्स पर खरीदारी की है, 1-2 रुपए का इनको अभी नुकसान हो रहा है एक महीने के लिहाज से, क्या चार्ट्स कहते हैं? पिछले 15-20 दिनों से स्टॉक एक रेंजबाउंड मूव में चल रहा है, 114-115 नीचे में इसके सपोर्ट्स है और ऊपर के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो है 125-126 के आसपास। आई थिंक एक बार पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, यहाँ से अपमूव ही मिलना चाहिए, स्ट्रक्चर को देखते हुए ऐसा लगता है कि ऊपर में इमीडिएट 125-126 के लेवल्स तो हमको देखने को मिलेंगे ही और अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं तो स्टॉक के अंदर हमको करीब करीब 125 के बाद 15 रुपये का मूव और देखने को मिल सकता है जिसके अंदर 135-140 के टारगेट्स आने वाले कुछ हफ्तों के लिए बन सकते हैं। नीचे पे अगर स्टॉक ने 114-115 का लेवल तोड़ा तो फिर ये वीकनेस दिखाएगा, जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते तब तक स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, 125 इमीडिएट टारगेट, उसके बाद 135-140 के लेवल्स। जी तो 140 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में अगर आप होल्ड करते हैं तो। इस बीच कुछ शेयर्स देखिए, एक है मार्क्सन्स फार्मा, कुछ देर पहले यहाँ पे न्यूज़ फ्लोज आई थी और न्यूज़ फ्लोज के बाद इस शेयर में कुछ प्रेशर था लेकिन अब जो खबर एक बाइंग आई है इसे डिहाई पर ले आई है, करीब करीब 2 रुपये की बढ़त है, हालांकि लोअर लेवल से जो स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है वो इसको 3.5% ऊपर लेकर आ चुकी है। इसके अलावा अदानी इंटरप्राइजेस पे भी नजर डाले, 151-152 के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है, एक बाइंग यहाँ पर भी है, 153-54 का इसने हाई बनाया लेकिन अभी 151-152 के स्तरों पर कामकाज करते हुए लोअर लेवल से यहाँ पर भी खरीदारी है। कैपिटल फर्स्ट तीसरा नाम होगा, 785 का हाई बनाया, 784 पे शेयर कामकाज कर रहा है, डे हाई के आसपास है, एक खरीदारी आई है दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही ये शेयर अभी भी कामकाज करता हुआ।